नई खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आइए अभी तक की 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे 9 पर टोल प्लाजा के समीप ट्रक और कार की भिड़ंत में 2 लोग घायल, तेज रफ्तार का कहर जारी। मुख्यमंत्री की संभावित रैली को लेकर चयनित स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी बार बार कर रहे हैं निरीक्षण। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों का एक दस्ता मुख्यमंत्री के स्वागत स्थान पर पहुंचा। मेरठ में बीजेपी की CAA के समर्थन में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए हापुड़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सदर विधायक विजय पाल आरती ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हापुड़ लतीफपुर के रहने वाले एक शख्स ने गांव के ही 3 लोगों पर बट से मारकर घायल करने का आरोप लगाया। हापुड़ तहसील चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मारी। कार चालक बाल बाल बचा, कार क्षतिग्रस्त हुई। फांसी से पहले निर्भया केस के 4 दोषियों से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पूछी आखिरी इच्छा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल को गोद लेकर प्रदान किए गए अनेक सम्मान। GST विभाग की टीम ने मोदीनगर रोड स्थित रेस पेपर लिमिटेड फैक्ट्री पर की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज किए जब्त। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित बैंकों में चलाया सघन चेकिंग अभियान। बैंक के आसपास खड़े संगीत युवकों को की पूछताछ। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल। नई खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।